हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान गाजर खाने के बारे में। नॉर्मली सर्दियों के मौसम में हमें बहुत ही अधिक मात्रा में गाजर मिल जाती है। वैसे मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ वीडियो बनाने में, लेकिन फिर भी अभी तो गाजर आपको बहुत दिनों तक मिलेंगे। और अगर आप गाजर खा रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं खा रही हैं तो खाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप प्रेगनेंसी में गाजर खा सकती हैं। कितनी मात्रा में खाना है ये भी जानेंगे, और आपको कैसे खाना है, गाजर खाने से क्या क्या फ़ायदा मिलता है ये भी जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए, आप किसी भी महीने की गर्भवती हैं, आप गाजर का सेवन कर सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और गाजर आपको कितना खाना चाहिए, तो नॉर्मली अगर आप रोज़ाना एक गाजर खा लेती हैं, या फिर जो मध्यम आकार के गाजर होते हैं ना, मतलब कि ना छोटे ना बड़े, बीज टाइप के गाजर होते हैं, आप वो दो भी खा सकते हैं। बाकी ये आप पे डिपेंड करता है। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि रोज़ाना आप 1 किलो खाओ, आधी किलो खाओ, आप एक दो गाजर खा सकते हैं, इससे ज़्यादा कोई नहीं खाता। और देखो, नॉर्मली अगर आप कच्ची सब्जियां खाती हैं वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहता है। गाजर को नॉर्मली अगर आप सलाद के तौर पे खाएंगे तो आपको गाजर का फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलेगा। वैसे तो हम गाजर को बहुत सारे तरीके से खाते हैं, सब्जी में डाल लिया, सलाद बना लिया, अचार बना लिया, गाजर का हलवा बना के खा लिया, मुझे बहुत टेस्टी लगता है, अभी भी खाने का मन कर रहा है। तो भाई, बहुत सारे तरीके से हम गाजर खा सकते हैं, तो जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे खाइए। कच्चा खाएंगे तो आपको और भी ज़्यादा फायदा मिलेगा। गाजर में आपको बहुत सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, वो हम नहीं जानेंगे, फ़ायदे जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला फ़ायदा आपको गाजर खाने से ये मिलता है कि इससे आपको विटामिन ए मिल जाती है। विटामिन ए का क्या काम है, ये आपके आंखों की रोशनी के लिए काफ़ी अच्छा होता है, आपके लिए, बच्चे के लिए नहीं, आपके आंखों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, आंखें भी कमज़ोर हो जाती हैं। तो आपके आंखों की रोशनी के लिए, आपके आंखों की हेल्थ के लिए विटामिन ए अच्छा है, जो कि आपको गाजर में अच्छी मात्रा में मिल जाती है। इसके अलावा आपके बच्चे के विकास के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, बच्चों के इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा होता है, और बच्चे के आंखों के लिए भी अच्छा होता है। तो इस वजह से भी आप गाजर का सेवन कर सकती हैं। बाकी देखिए, गाजर में ना बहुत ही अच्छी मात्रा में आपको आयरन मिल जाती है, और आयरन कितना ज़रूरी है आपको मालूम ही है। आपके शरीर में खून की कमी नहीं होना चाहिए। नॉर्मली महिलाओं के शरीर में खून की कमी रहती है, गर्भवती महिलाओं के शरीर में और भी खून की कमी हो जाती है, क्योंकि आपका बच्चा आपके शरीर से ही लेता रहता है, और मतलब कि पोषक तत्व लेता रहता है, और आपके शरीर में आयरन की और भी ज़्यादा कमी हो जाती है। आयरन की कमी की वजह से आपको बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, चक्कर आना, घबराहट होना, और कई बार ऐसा होता है कि एंजाइटी की प्रॉब्लम भी हो जाती है, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, आपके नाखून पीले से पड़ जाते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर महसूस करती हैं, और नॉर्मल डिलीवरी में भी दिक्कत हो जाती है। और खून की कमी से आपके बच्चे के विकास पर असर पड़ता है, आपका बच्चा कमज़ोर हो सकता है, उसके जो शरीर के पार्ट्स होते हैं उनके विकास में भी दिक्कत आ सकती है, शारीरिक और मानसिक दोनों ही विकास पर असर पड़ता है। तो इसलिए आयरन जरूरी है, जो कि आपको गाजर में अच्छी मात्रा में मिल जाती है। देखिए, नॉर्मली हमें कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में विटामिन सी लेना चाहिए। विटामिन सी से क्या होता है कि ये ना आयरन को अवशोषित करता है। इसके अलावा इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनती है, तो गाजर से आपको विटामिन सी मिल जाती है। इसके अलावा विटामिन सी आपके बच्चे को ना समय से पहले जो डिलीवरी हो जाती है उससे रोक के रखती है, तो विटामिन सी के लिए भी आप गाजर का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा देखो, नॉर्मली प्रेगनेंसी के दौरान बहुत समय आपको कब्ज की समस्या हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि उनके शरीर में फाइबर की कमी रहती है, तो गाजर में आपको अच्छी मात्रा में फाइबर मिल जाती है, और फाइबर की वजह से आपको कब्ज की समस्या नहीं होती है। तो इस वजह से आप गाजर का सेवन कर सकते हैं, और ख़ास तौर से सलाद के रूप में। जो भी आप सलाद खाते हैं सब में फाइबर होता है, जो कि आपके पेट को अच्छा करता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, और आपको कब्ज की समस्या नहीं होने देता। इसके अलावा देखो, नॉर्मली प्रेगनेंसी के दौरान ना फोलेट की कमी की वजह से आपके बच्चे को बहुत सारी परेशानी हो सकती है, रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड या फिर मस्तिष्क से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो फोलेट आपको गाजर में अच्छी मात्रा में मिल जाती है, और फोलेट से आपके बच्चे के मस्तिष्क का विकास अच्छे से होता है, बच्चे को तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होती है, बाकी आपके लिए भी काफी अच्छा होता है फोलेट। तो फोलेट के लिए भी आप गाजर का सेवन कर सकती हैं। इसके अलावा देखिए, गाजर में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि आपको ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगर आप गाजर का जूस पियेंगी तो इससे आपका मूड अच्छा होता है, और आपके शरीर में ऊर्जा आती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान हम थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं, कमज़ोरी महसूस होती है, तो अच्छी ऊर्जा के लिए यानी कि ताकत के लिए भी आप गाजर का सेवन कर सकती हैं। इनके अलावा गाजर खाने का एक फ़ायदा ये है कि यह आपके स्तनों में दूध की गुणवत्ता को बढ़ा देता है। अगर आप प्रेगनेंसी में गाजर खाती हैं या फिर डिलीवरी के बाद भी आप गाजर खाती हैं, तो इससे आपके ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई में बढ़ोतरी होती है, दूध की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती है, और यह प्रेगनेंसी से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि डिलीवरी के जस्ट बाद आपके बच्चे को दूध पिलाना होता है, तो प्रेगनेंसी में ही ये सारी प्रक्रियाएँ स्टार्ट हो जाती हैं, आपकी दूध वाली नसें खुलने लग जाती हैं, मतलब समझो ना, प्रक्रिया पहले स्टार्ट हो जाती है, तो गाजर इसमें हेल्प करता है। तो इस वजह से आप गाजर का सेवन कर सकती हैं।
इसके अलावा गाजर आपके खून को भी साफ करता है। गाजर में बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो कि आपके बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा होता है और ये आपके रक्त को साफ करने में आपकी हेल्प करता है जो कि बहुत ज़रूरी है, तो आप इस वजह से गाजर का सेवन कर सकती हैं। इसके अलावा ये आपके बच्चे के लिए एक तरीके से फ़ायदेमंद ऐसे हो जाता है कि डिलीवरी के बाद बहुत सारे बच्चे को ना पीलिया की प्रॉब्लम हो जाती है, तो अगर आप प्रेगनेंसी में गाजर का सेवन करती हैं या फिर डिलीवरी के बाद भी आप गाजर का सेवन करती हैं तो इससे आपके बच्चे को पीलिया होने का खतरा कम रहता है। और ऐसा भी माना जाता है कि गाजर खाने से बच्चे का जो रंग होता है वो साफ होता है, मतलब कि बच्चा अच्छे स्किन वाला होता है। रंग साफ मतलब मत समझना कि गोरा काला, ऐसा नहीं, बच्चे की स्किन अच्छी होती है, आपकी स्किन भी अच्छी होती है, तो आप इस वजह से भी गाजर का सेवन कर सकती हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए ये गाजर खाने के फ़ायदे हैं। इसके अलावा गाजर खाने के और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, लेकिन जो जो मेन फ़ायदा था मैंने आपको बता दिया। बाकी देखिए, आपको गाजर बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना है क्योंकि ज़्यादा खाना ना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि विटामिन ए इसमें होता है जो कि ज़्यादा लेने से आपके लिए कई बार खतरनाक हो सकता है। ज़्यादा लेने से डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, ज़्यादा लेने से आपके बच्चे के लिए भी बेकार हो सकता है, आपके लिए भी बेकार हो सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं लेना। जितना मैंने आपको कहा है कि रोज़ाना आप एक गाजर खा सकते हैं तो आप रोज़ाना एक गाजर खा लीजिए, या फिर मान लीजिए कि आप सूप पी रहे हैं तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा दो गाजर का इस्तेमाल कर लीजिए। गाजर का हलवा खा रहे हैं तो एक कटोरी खा लीजिए। ऐसा नहीं है कि भैया घर में बनाया बहुत मज़ा आ रहा है तो हम तीन चार कटोरी खा रहे हैं, तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। लिमिट में खाएंगे तो गाजर के तो बहुत सारे फायदे हैं, तो ज़रूर खाइएगा। और बाकी ध्यान रखिएगा कि गाजर अच्छे से साफ हो, अच्छे से छिला हुआ हो, बाकी कच्चा ज़्यादा ना हो, इस टाइप से आपको ध्यान रखना होगा। तो आप आराम से खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।